नमस्कार दोस्तों, ऑलिव बोर्ड की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्वेश्चंस की एसएससी सीएचएसएल 2018 के लिए, जो कि अब से कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। ये एमसीक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर आपको इससे एक बहुत ही अच्छा और सॉलिड आइडिया मिलेगा कि किन टॉपिक्स पर से क्वेश्चन आते हैं और जनरली रिपीट होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ स्टैटिक जीके ही डिस्कस करेंगे, उसके 10-12 टॉपिक्स हमने लिए हैं जिसमें से क्वेश्चंस नॉर्मली आज अभी तक के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स में रिपीट होते आए हैं और आगे भी 2018 में भी पूरी उम्मीद है। बाकी दूसरी वीडियोज में हम दूसरे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपने ऑलिवबोर्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और भी वीडियोज इसमें एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड आएंगी, अपने डेस्क्रिप्टर तक आएंगी, आपके साथ रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक बुक्स एंड ऑथर्स को लेके। इसमें 3 या 4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला, रिच डैड पुअर डैड बुक किसने लिखी है, कौन इसका ऑथर है? आंसर रॉबर्ट कियोसाकी है। तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें फॉरेन राइटर्स को डिस्कस कर रहा है, जो कि फेमस बहुत ही फॉरेन राइटर्स है। फाइनेंशियल विजडम के ऊपर एक बुक है, बहुत ही बड़ी बेस्ट सेलर किताब है। तो इस तरीके की किताबों को, फिर आते हैं हम अपने इंडियन ऑथर्स पे। ये मोटिवेशनल बुक है, यू कैन विन, बहुत ही फेमस बुक है, शिव खेड़ा। आप में से कई लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, हिंदी इंग्लिश और कई लैंग्वेजेस में ये आती है। तो हमारे इंडियन ऑथर्स हो गए, अमीश त्रिपाठी भी बहुत फेमस ऑथर है। उसके बाद जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें आता है, जो पुराने हमारे उपन्यास हैं या अध्याय हैं, पुरानी जो बहुत किताबें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में कई सारी किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि चरक संहिता हो गया, विज्ञान शकुंतलम, सारे एग्जाम्पल्स मैंने वही लिए हैं। तो इसका आंसर है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है, बहुत ही फेमस किताब है। ठीक है, उसके बाद हम मॉन्यूमेंट्स पर आ जाते हैं कि चार मीनार किसने बनाया है। इसका आंसर है मोहम्मद कुतुब कुली शाह। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस यहाँ पे देखें तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी को रूल किया था, तो ये तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद टीपू सुल्तान, कर्नाटका में मैसूर के आसपास इनका राज था। ठीक है, और हमारे मीर जाफर, जो कि मुगल डायनेस्टी से संबंध रखते थे, तो कुतुब कुली शाह, इन्होंने इसी डायनेस्टी ने गोलकोंडा फोर्ट भी बनवाया था। तो इसी तरीके के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपको आप कर सकते हैं, अगर आपने ये टॉपिक नहीं करा है, जो कि फेमस है और कॉमन आप कर सकते हैं, जैसे रेड फोर्ट वगैरह हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया गेट, क्योंकि ब्रिटिश राज्य में भी जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ शासन किया, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे, जैसे राष्ट्रपति भवन जो अब हमारा है वो भी उन्होंने ही बनाया था। तो इसका आंसर है एडविन लुटियंस। मोस्ट ऑफ द दिल्ली के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ज़्यादातर वो एडविन लुटियंस का ही नाम है। उसके अलावा एक और आते हैं, हर्बर्ट बेकर, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। जॉर्ज विलेट ने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था। तो इस तरीके से हमें याद करने हैं आर्किटेक्ट्स वगैरह, बहुत ही जो कॉमन या फेमस है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया का आप कर सकते हैं इस तरीके से। विच डायनेस्टी इज कंसीडर्ड एज द बिल्डर ऑफ फेमस जगन्नाथ टेम्पल, तो डायनेस्टीज के बारे में पूछा जा सकता है कि कुछ डायनेस्टीज ने बहुत ही फेमस चीजें, पुराने मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे चोला डायनेस्टी का आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, उनमें कुछ टेम्पल्स हैं वो आप याद कर सकते हैं, एलोरा केव्स हो गई, अजंता केव्स हो गई। ठीक है, उसके बाद कुछ बहुत ही फेमस टेम्पल्स हमारे हो गई, मॉस्क हो गई, मस्जिद हो गई, तो किन्ने बनवाई? इसका आंसर है गंगा डायनेस्टी। ओके, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, उड़ीसा में, ये इसका आंसर है। अहोम डायनेस्टी तो असम में थी। उसके बाद सत्रिय इज अ फेमस डांस फॉर्म, डांसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, कई शिफ्ट्स में आएगा भी इस बार। तो हमारे देश में क्लासिकल डांसेस हैं और फोक डांसेस हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक पे आएगा, तो किस स्टेट का फोक डांस है ये आपको याद रखना है, किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। जैसे सत्रिय मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इसमें, ये किस स्टेट से है, ये हमारा सत्रिय आसाम से है। ओके, इसी तरीके से हमारे कुछ क्लासिकल डांसेस हैं, जैसे मणिपुरी हो गया, भरतनाट्यम वगैरह हो गया, ये कहाँ कहाँ से रिलेट है, किस राज्य से, ये आपको याद रखना है, फोक डांसेस का भी। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर वॉज इन्वेंटेड बाय, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो कि पार्टिकल, जो कि हमारे धरती पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये किसने करा है? इसका आंसर है सर्न, ये एक एजेंसी है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, और इसी से एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि कई सारे चीज़ें हैं, जैसे लिफ्ट हो गई, वो
वो किसने इन्वेंट करी है, टेलीविजन किसने इन्वेंट करा है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके इन्वेंशंस और डिस्कवरीज पे से एक क्वेश्चन बनता है. तो बड़ी बड़ी जो फेमस डिस्कवरीज हैं वो आप याद कर सकते हैं. फिर आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसका आंसर एंडोस्कोप है. एंडोस्कोपी होती है बहुत लोगों की. अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एंडोस्कोपी से उसे देख सकते हैं इंटरनल हमारा. तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे वॉल्केनोस, ये अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, समुद्र की डेप्थ नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हम कर सकते हैं. उसके बाद हमारे कैपिटल्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैपिटल हमारे स्टेट्स का दी और जो कंट्रीज हैं उनमें, आपको हर कंट्री का नहीं करना है ना, आप कर सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज है. जैसे हमारे पीएम कहीं विजिट करते हैं, वो कंट्री अभी न्यूज़ में रही या किसी और वजह से कंट्री न्यूज़ में रही, उसके बारे में आप कर सकते हैं. या फिर जो बड़ी ही फेमस कंट्रीज हैं, जैसे हमारे देश में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अभी नए बने, तो तेलंगाना का तो हैदराबाद रह गया, आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल कौन सा है? इसका आंसर कई लोगों को नहीं पता होगा, अमरावती इसका आंसर है. इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उसके कैपिटल्स जरूर याद करिए. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अपने देश का तो होना ही चाहिए. उसके अलावा कैपिटल ऑफ सीरिया इज, सीरिया बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इसका आंसर है डमास्कस. इसके अलावा जैसे कंट्रीज हो गई, इराक हो गई, ईरान हो गई, अफगानिस्तान वगैरह तो हमें पता ही है. नेबरिंग कंट्रीज, हमारे देश की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, बहुत ही फेमस कंट्रीज हो गई, जैसे जर्मनी हो गई, इटली हो गई, इनके कैपिटल्स, ब्राज़ील हो गई, ब्राज़ील में ओलंपिक्स हुए थे, जापान, साउथ कोरिया, इस तरीके से हमें पता होना चाहिए. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेंसी ऑफ म्यांमार. करेंसी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो जहां से इंडिया के ट्रेड रिलेशन है या नेबरिंग कंट्रीज है उसका बारे में आपको पता होना चाहिए. म्यांमार हमारी नेबरिंग कंट्री है, इसका नाम है क्यात. ठीक है, भारत थाईलैंड का है. थाईलैंड बहुत लोग इंडिया से जाते हैं और बहुत ही फेमस कंट्री है. रिंगिट मलेशिया एशियन कंट्री है. गुलतरुम भूटान की करेंसी है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता होने चाहिए. जैसे साउथ अमेरिका में अगर हम जाएं तो तीन चार तरीके की करेंसीज आती हैं. पैसो होती है, रियाल होती है, ठीक है, बॉलीवर होती है. तो हम देखेंगे करेंसी ऑफ वेनेजुएला. वेनेजुएला में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत टाइम से चल रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह, तो यहाँ की हमें देखना है. ऑयल क्राइसिस भी चल रहा है कि करेंसी कौन सी है. इसका आंसर है बॉलीवर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है. पैसो हो गया, रियाल हो गया, शिलिंग हो गया. ठीक है, शिलिंग अफ्रीकन की, ईस्ट अफ्रीकन कई कंट्रीज में शिलिंग चलती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं. कई सारी कंट्रीज की ये करेंसी है. पोर्ट लुइस इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. इसका आंसर है मॉरिशियस. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज एंड कैपिटल, स्टेट कैपिटल्स और करेंसीज. अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन आपको दे दिया जाता है और वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट्स खेलता है. तो बहुत ही फेमस जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, बट आपको ज़्यादातर स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. जैसे क्रिस फ्रूम है, कई लोगों को नहीं पता होगा, ये साइकिलिंग से एसोसिएटेड है. और टूर डी फ्रांस साइकिलिंग का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड का होता है. ये अभी उसके चैंपियन रह भी चुके हैं और बने भी हैं. ठीक है, उसके अलावा आपको F1 रेसिंग से रिलेटेड जैसे कई सारे, जैसे सेबेस्टियन वेटल वगैरह हैं, ये आपको पता होने चाहिए जो चैंपियंस हैं. बॉक्सिंग के कुछ टॉप के प्लेयर्स का आपको पता होने चाहिए. ठीक है, बेसबॉल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके अलावा फुटबॉल अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फैंस हैं फुटबॉल के. फुटबॉल के कुछ मेजर प्लेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. क्रिकेट, बैडमिंटन, जो हमारे देश के जो फेमस प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन हो गए, टेबल टेनिस हो गए, आर्चरी, जिमनास्टिक्स वगैरह. सो दीपा कर्माकर, यही क्वेश्चन आता है, दीपा कर्माकर किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. इनका ओलंपिक्स के लास्ट ओलंपिक्स में बहुत नाम हुआ था और इस बार इनसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं एक मेडल के अगले ओलंपिक्स में. ये आती हैं जिमनास्टिक्स में. ठीक है, तो आर्चरी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरह, इन सब के बारे में आपको पता होनी चाहिए. विच कंट्री डज ज्लैटन इब्राहिमोविक अ फेमस फुटबॉलर रिप्रेजेंट. तो ये क्वेश्चन हमारा फुटबॉल का आगे, इसमें हमारा प्लेयर का नाम है, इसमें कंट्री पूछ ली है. ठीक है, आपको दे दिया है नाम, स्पोर्ट्स का कंट्री पूछ ली है और इसका आंसर है स्वीडन. ये स्वीडन के सबसे ज़्यादा नामी गिरामी प्लेयर हैं और वर्ल्ड फुटबॉल में इनका बहुत अच्छा और बड़ा नाम है. तो इस तरीके से आपको फेमस प्लेयर्स के बारे में आपको बताना चाहिए. अब थोड़ा कंप्यूटर्स की तरफ अगर हम आते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप इसे करंट अफेयर्स रिलेटेड भी कह सकते हैं. बिटकॉइंस एक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, अभी भी है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा. तो
बिटकॉइंस के साथ कौन सा टर्म इसमें एसोसिएट करता है, जिसका आंसर है ब्लॉकचेन, क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, ठीक है। और ये किसका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जहां पे स्टोर होते हैं बिटकॉइन वगैरह, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और भी क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, और बिग डेटा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जिससे आपके चैटबॉट्स वगैरह बने होते हैं, न्यूरल नेटवर्क। तो इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं और क्या हैं, ठीक है। एज्यूर इज अ फेमस एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विच कंपनी, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं और आने की उम्मीद है। एज्यूर बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग का, और इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होने चाहिए, जैसे अमेजोन का वेब सर्विसेज आता है, और भी जो आते हैं कि वो किस किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं, गूगल के कुछ प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ उबर, तो बहुत ही फेमस जो कंपनीज हैं उनके सीईओज, उनके हेड्स, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो अभी इसका आंसर है दारा खोरोस शाही, ठीक है। ट्रेविस कैलानिक नहीं है, इन्होंने ये फाउंडर और सीईओ थे पर अब नहीं है, ये स्टेप डाउन कर गए थे। इवान स्पीगल हमारे snap.co का है, और ये बहुत ही फेमस फाइनेंशियल राइटर है, तैयब नसीम निकलस। तो इसका आंसर है दारा खोरोस शाही। इन कंप्यूटर्स कोर i3 कोर i7 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस और एक आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी क्वेश्चन है। हमारे जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं उनके प्रोसेसर्स इस तरीके के होते हैं, कोर i3 किसी का नाम होता है, कोर i5, कोर i7, कोर टू डू, तो इसका आंसर है प्रोसेसर्स, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। विच मूवी वन ऑस्कर्स, तो अवार्ड्स एंड अवार्ड्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन, जहां तक एक क्वेश्चन ही आएगा पर आएगा, और ऑस्कर्स उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है 2017 में, करंट अफेयर्स रिलेटेड है, इसका आंसर है जूटोपिया, ठीक है। उसके बाद विच राइटर वॉज अवार्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2017, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको देखना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 24th क्वेश्चन नंबर 24th, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, ओके। तो इसका आंसर है हमारा नागालैंड, नागालैंड से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, बहुत फॉरेन से भी लोग इसे देखने आते हैं। तो इस टाइप के जो फेस्टिवल्स है, जैसे डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ होता है, और कहीं कोई फेस्टिवल होता है, हमारा सूरजकुंड मेला होता है, वो कहाँ पे और किस स्टेट में होता है, तो इस तरीके से। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, CGL में भी आया हुआ है, तब इसका आंसर कुछ और था, आज कुछ और है। इसका आंसर है उमेश दत्तात्रेय सालवी, ठीक है, ये अभी नए बने, इनसे पहले स्वतंत्र कुमार थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे देश की कुछ एजेंसीज हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, हमारे प्रेजेंट कैग कौन है, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, चीफ कमिश्नर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है, और भी जो वुमेन कमीशन है उनके लीडर या उनके हेड कौन है, ये आपको पता होने चाहिए। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ UNO, द आंसर इज एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। और जैसे WHO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UNDP हो गया, इनके हेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, तो ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रीज के, ठीक है। अभी जैसे मालदीव बहुत ही ज़्यादा अपने क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, इसका आंसर है अब्दुल्ला यमीन, ठीक है। फियर ऑफ डार्कनेस, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, साइंस के बारे में पूछा जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, ये थोड़ा साइंस रिलेटेड हो गया है, और आपके साइंटिफिक या फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है उनके बारे में पूछा जा सकता है। बाकी इसका आंसर है निक्टोफोबिया, पायरोफोबिया जो फायर का जो फियर होता है, आग का फियर, थियोफोबिया गॉड्स का फियर होता है, पैनोफोबिया हर चीज का फियर, पैन जैसे कहते हैं पैन एशिया, पैन अफ्रीका, मतलब हर जगह पाए जाने वाला। देन बलफक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, इसका आंसर हमारा मेघालय। तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मोस्टली नेशनल पार्क्स, डैम्स वगैरह हो गए, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, ठीक है,
आइलैंड्स हो गए, रिवर्स हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स रिलेटेड, ऑटो एक्सपो 2018 वाज रिसेंटली हेल्ड इन इंडिया, इन दिस सिटी, नेम द सिटी, द आंसर इज ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ऑप्शंस आपने देखे थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, अभी तक दिल्ली में होता था प्रगति मैदान में, अब ग्रेटर नोएडा में ये शिफ्ट हो गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रही हैं और आने की पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी अपनी अगली वीडियोस में और टाइप के क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तो अगर आपने कोई टॉपिक इनमें से नहीं किया है, हमने अलग अलग टॉपिक ये डिस्कस किए हैं 10 से 12, आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, मेजर चीज़ें ही कीजिए, ठीक है, उसी से आपका टॉपिक एक तरीके से तैयार होगा, हो जाएगा, बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कन्फ्यूजन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।